नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन उपाय लेकर के आया हूँ, एक बेमिसाल घरेलू नेचुरल नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप अपने गंदे पीले दांतों को बिल्कुल सफेद और चमकदार बना पाएंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें हम घरेलू चीजों का, घर में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करके अपने दांतों को सफेद और चमकदार बना पाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं, क्योंकि दांतों को साफ कराने के लिए जब आप मार्केट में जाओगे तो दांतों को साफ करने के लिए जो ट्रीटमेंट मिलती है वो बहुत महंगी है, तो बिल्कुल घरेलू तरीके से और बहुत ही कम खर्च में आप अगर अपने दांतों को बिल्कुल सफेद और चमकदार बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो लड़के और लड़कियां दोनों से मैं कह रहा हूं कि इस नुस्खे को, इस वीडियो को एक बार अंतिम तक जरूर देखिएगा। यह आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आएगा और जब आप इसका पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो पहले बार से ही आपको इसका असर आपके दांतों पर दिखने लगेगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इनका सेवन नहीं करते, फिर भी उनके दांत पीले और गंदे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गंदी चीजों का सेवन करते हैं और उनके दांत तो और भी ज्यादा बुरे तरीके से काले और पीले होते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आपके दांत गंदे हैं और पीले हैं, आप उनको सफेद करना चाहते हैं, तो यह नुस्खा आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इससे पहले कितने सारे नुस्खे आजमाए हैं, कितने सारे इस तरह के उपाय देखे हैं, लेकिन सचमुच आप अपने दांतों को सफेद करना चाहते हैं तो यह नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। चलिए इस नुस्खे को मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, इस नुस्खे में जो आपको सबसे पहली चीज लेनी है वो लेना है आपको बिल्कुल आधे चम्मच के आसपास आपको शुद्ध सरसों का तेल लेना है। ठीक है दोस्तों, सरसों का तेल आपको घर पर आसानी से मिल जाएगा। यह दांतों को साफ करने के साथ साथ दांतों में लगे कीड़ों को मारने के लिए भी आपके बहुत काम आएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजों का मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा जो आपके दांतों के दर्द को भी कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं विनती करता हूं, इस वीडियो को अंतिम तक पूरा देखिएगा और उससे भी जरूरी बात, इस नुस्खे को आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें जो अगली चीज लेंगे वो लगभग इतनी मात्रा लेंगे हम खाने वाला नमक। ठीक है, नमक का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट हमारे मसूड़ों को मजबूत करता है और हमारे दांतों को साफ करने के लिए भी नमक बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, यह बात आप लोगों को पता होगा। तो हमने इसमें नमक लिया और नमक को इस तरीके से, नमक और सरसों के तेल को हमने इसमें मिक्स किया। जो लोग तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं, उनको फायदा नहीं हुआ, उनके लिए यह नुस्खा बहुत काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा अंतिम तक, अपने दांतों को, काले पीले गंदे दांतों को सफेद करने के लिए आपके बहुत काम आएगा। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें जो अगली चीज मिलाएंगे वो ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा, लगभग इतनी मात्रा हम इसमें हल्दी लेंगे, टर्मरिक। ये भी आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। इन सबको पहले हम आपस में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, यहां पर हमने इसे मिक्स कर लिया। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप उस टूथपेस्ट को इसमें लेकर के मिला लें। जो भी टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, आप इस टूथपेस्ट को इसमें मिला लें। ठीक है, यहां पर अच्छी कंपनी का टूथपेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से इस टूथपेस्ट को हम इसमें मिला लेंगे। ठीक है, और यह ऐसा दिखने लगेगा। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कितनी बार ब्रश करना है इससे, यह ऐसा दिखने लगेगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर यह आपको पसंद आए और आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, आप लोगों को फायदा होगा, मैं कह रहा हूं।
और आखिर में दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको इसमें टमाटर का जो है रस, टोमेटो का, टमाटर का रस आप इसको लेकर के आप इसमें मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और जब यह आप इसे पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से जब ये पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा, तो आप इसे लेकर ब्रश के साथ दिन में हो सके तो दो बार आप इसे सुबह शाम ब्रश करें। आप पाएंगे दोस्तों कि आपके काले गंदे पीले दांतों को सफेद करेगा, मसूड़ों को मजबूत करेगा, दांतों को सड़ने से रोकेगा, कीड़ों को खत्म करेगा और दांतों में जो दर्द है उसे भी कम करने में यह नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।